शांति कहाँ है? शांति 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 पता है कॉर्पोरेशन स्कूल में पढ़ती है ना, वो शांति। एक ही मिनट, तुमसे बात करनी है। प्लीज जाओ, वहाँ देखो। क्या सोच रहे हैं साले, मेरे इलाके पे आकर मुझे डाल रहे हैं क्या? कितना देर तुझे साले, छोड़ दिए तुझे। तुम क्यों आए हो यहाँ? जा यहाँ से, दोबारा देखिए तो बस छोड़ेंगे तुझे नहीं। बात कर यहाँ से। मैं बाद में बात करता हूँ। बाद में बात करेंगे। ओके सॉरी दीदी, जा यहां से। सॉरी दोबारा देखिए तो बस छोड़ूंगी तुझे नहीं। गुड मॉर्निंग मैडम। नमस्ते। कौन सा घर किन के लिए है वो अलॉटमेंट हो चुका है। रुकड़ में रहने वाले हमको आपके वजह से अच्छा घर मिला है, बहुत धन्यवाद। हम सड़क के लोगों के लिए आपने ही घर दिया है, धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। धन्यवाद मुझे नहीं, रामू को कहना है। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम, आप यहाँ? क्या है कि आपका काम देखने के लिए आई हूँ। अच्छा, पहले ये काम ही पूरा हुआ है? हाँ जी मैडम, ऐसे लोगों के लिए 4 जगह में 4,000 घर इस हफ्ते बन जाएंगे। उस तरफ एक फ्लाईओवर और एक अस्पताल तो ऑलरेडी बन गया है। थंडरपेट में एक मार्केट, तिरुवन में और एक सबवे और 2 स्कूल और एक वाटर टैंक अभी फिनिशिंग स्टेज में है। गुड, सब रोड को कंक्रीट डाला है ना? हो गया मैडम। ये प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद ये इलाका छोटा सिंगापुर दिखनी चाहिए। ये सब क्रेडिट रामू के लिए ही है। ये सब आपकी तो ये क्या है? देखो, अरे हेडलाइंस में आई है इसकी फोटो। अरे ये तो हमारा रामू का पोस्टर है, गरीबों का सपना पूरा करने वाला युवा नेता नेलिकुप्पम रामू। होने के केस में सभा में इस मैटर के वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम होने के कारण स्पीकर ने सभा को होल्ड किया गया है। उड़ियप्पन जिनका बहुत सारे बिजनेस है उनके बारे में कोई लीड अभी तक नहीं मिला है। ऑपोजिशन बोला हुआ कि ये सब गवर्नमेंट के वजह से ही हो रहा है और ये है आज का ब्रेकिंग न्यूज। ऑपोजिशन ने ये भी बोला हुआ है कि मिनिस्टर को आज ही रिसाइन करना पड़ेगा। अगर एक बड़ा व्यवसायी का ये हालत हुआ है, बाकी लोगों को क्या होगा, ये चर्चा हो रहा है आजकल। आप खुशी है क्या नेताजी? ये कोई आम बात नहीं है, करोड़पति उड़ियप्पा ने 1,800 करोड़ सरेंडर करने के बाद अभी उसका कोई आता पता नहीं। लेकिन रक्षा मंत्री ने क्या बोला, इसके पीछे आतंकवाद का हाथ होगा। पता लगाओ कैसे। सर अगले 24 घंटे में अगर मैंने आपके सामने उड़ियप्पन को आके खड़ा नहीं किया तो मेरा नाम आपके कुत्ते को लगा दीजिए। आपको तो यही लास्ट चांस, ये पूर्ति नहीं किया तो डीजीपी नहीं रहोगे। वही होने वाला है सर। वेयर इज द कमिश्नर? यस सर, हम लोग सर्च कर रहे हैं सर, जितनी जल्दी हो सके ढूंढ निकालेंगे। आइए मैडम।
मिनिस्टर को देखने के लिए यहाँ क्यों लाए हैं मुझे? अगर अगर वो घर पे नहीं है तो वो इधर ही कहीं रहेंगे मैडम, उन्हीं को मैं ढूंढ रहा हूँ। हिप्पोपोटामस। अरे अरे भगवान, अभी ऐसे क्यों हंस रहे हैं? नमस्कार मैडम जी, बैठिए। नहीं सर, मैं रूम में वेट करती हूँ। प्रिया अलेक्जेंडर IAS, बहुत दिनों से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। इस मिनिस्टर गणपति के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता है बेटा। ठीक है, वो सब जाने दो, मैं असली मुद्दे पर आता हूँ। उस नल्ली कुप्पम के भिखारियों को वहाँ से हटाकर उस जगह को मेरे नाम पे करो। उस कॉन्ट्रैक्टर को कुछ ज्यादा तजुर्बा नहीं है ये सब कहकर, बाकी बचा जो 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हमारे गुंडप्पा को दे दो। अगर वो जल्द ही नहीं हुआ, क्या होने वाला है ये मुझे भी नहीं पता है बेटा। क्या है सर, दम दे रहे हैं क्या? आप जैसे बड़े आदमी छोटे लोगों के पैसे लेकर अपने पैसे जैसे फुजूल खर्चे कर रहे हैं। इसमें मुझे कुछ नहीं करनी है। I'm sorry सर। रुको, करोड़पति अलेक्जेंडर की एकलौती वारिस। ओ माँ भूख लगी, माते भूख लगी। तुम्हारा इतिहास मुझे पता है। IAS पढ़कर भी ट्रेन पर गाना गाकर भीख मांगने वाली जो तू है, अभी तक बदली नहीं ना। कहाँ है वो तेरा बाप, वो भिखारी अलेक्जेंडर? स्टॉप इट, जो कुछ कहना है मेरे बारे में कहिए। फादर अलेक्जेंडर के बारे में कहने के लिए आपका कोई हक नहीं है। 3 साल तक ट्रेन में भीख मांगने वाली मुझे लेकर IAS तक पढ़वाया है मुझे फादर अलेक्जेंडर। वो मर जाने के बाद मेरे नाम के पीछे उनका नाम है कि आप जैसे लोगों से बचने के लिए है। आप लोगों ही मुझे करोड़पति कह रहे हैं, मैं नहीं। मिस्टर गणपति, आप जैसे सोच रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। गुड बाय। ड्राइवर, जल्दी जाओ, जल्दी चलाओ ना। इतना जल्दी क्यों जा रहे हैं हम? कलेक्टर मैडम देखने के लिए। बहुत नष्ट हुआ, हमको मदद करके नौकरी गया ना उनको। बोला तो सुनोगे ना तुम? मैं बताता हूँ तुम्हें। मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो बुरा ही नहीं, मुझे छोड़ दो ना। रखो दे, मैं नहीं करूंगा, छोड़ दो मुझे। रखो तुम, छोड़ दो, रखो, मैं बोला रखो। नहीं रखो तुम, बुड्ढे बात मारो, रखो, ये तो मर जाएंगे। उसको मारो, मारो उसको, मारो। अंगूठा रख रहे हो? नहीं, अरे साले अंगूठा रख, जान प्यारी है तो रख, नहीं तो तेरी लाश बहेगी। अभी वो रखेंगे। रख, रख। Thank you.
आपने यहाँ आने के लिए क्यों बोला? आज से मुझे हर दिन तुमसे मिलना है, इसीलिए। क्यों, तुम नहीं चाहते क्या? नहीं, मुझे पता नहीं है, वो मेरे भाई और पिताजी को अभी आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उनको पता चला तो कि हम आपस में मिल रहा है तो। तुमसे सच बोलूं तो तुम्हारे पापा और भाई के बारे में सोच के मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे घर पे इतना पैसा होने के बाद भी मेरे पापा पैसे के पीछे भागते रहते हैं, पर इतना गरीब होने के बाद भी तुम्हारा भाई दूसरों के लिए इतना काम करता है। मेरा बाप तुम्हारे भाई के पास भी नहीं आ सकता। क्यों, कोई भी इस दुनिया में उसके जैसे नहीं हो सकता। तुम्हारा भाई बहुत अच्छा आदमी है, वो सिर्फ दिल से नहीं दिमाग से भी काम करते हैं। मेरे पापा के गुंडों को भी मार के वापस भेज दिया ना, तुम्हारे पापा और भाई के जैसे मेरा कोई नहीं है। नहीं, आपका पिताजी है ना, और वो एक बहुत बड़ा मिनिस्टर है। बहुत बड़ा मिनिस्टर है, पर तुम्हारा भाई तुमसे कितना प्यार करता है और कितना चाहता भी है। वैसे मेरे लिए कौन है बताओ? मैं एक सच बोल दूं, वो मेरा खुद का पिताजी नहीं है और रामू मेरा भाई नहीं है। जब मैं बहुत छोटी थी मुझे बहुत याद है। भूख लग रहा है अम्मा, भूख लग रहा है अम्मा, मुझे कुछ तो दीजिए ना, मुझे भूख लग रहा है अम्मा, बहुत भूख लग रहा है। चम्मच को तो गरम कर, कल तो उत्सव है ना, हम तो कुछ खमाना है ना। कर रही होगी, जब मैं छोटी थी मेरा किडनैप हो गया था, उस जानवर ने किया। हम पर बहुत अत्याचार करके वो लोग बहुत पैसे कमाया था। हम मंदिर के वहाँ, मॉस्क के वहाँ, सभी जगह पर भीख मांग रहे थे, और मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ बहुत सारे बच्चे लोग भी थे। वो लोग ऐसे करते करते बहुत पैसे कमाए थे, और जब हमको भूख लग रहा था पानी भी नहीं देते। अगर हेल्थ है तो भीख नहीं मिलेगा ना, और हम बहुत खाना पीना किया तो हमें कोई भीख नहीं देगा ना, इसलिए ऐसा किया था। अम्मा अम्मा बोलकर मैं बहुत रो रही थी। मुझे लग रहा था कि मेरी खुद की माँ भी ये मंदिर आएगी, और जब वो मुझे देखेगी वो भागकर मेरे पास आ जाती और मुझे गले पे लग जाए, इसलिए मैं रो रही थी। लेकिन कोई नहीं आया। ऐसे ही एक दिन भगवान के जैसा मणियप्पन आया और मुझे साथ ले चला। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है कि मैं अपनी माँ को या पापा को एक बार देख सकूं। मैं तो ऐसे ही जीने वाली हूँ। इस जन्म में तुम्हारे लिए मैं रहूंगा। क्यों रे बेशरम, प्यार करने के लिए तुझे भिखारी नहीं मिली क्या? तेरे बाप का एक तरफ ही तुझे पता है, परली तरफ का तुझे अंदाजा भी नहीं है। मुझे पता है तुमने ही मेरे माँ को मारा था। हाँ? मुझे पता है कि तुमने मेरे माँ के साथ क्या क्या किया था। बदतमीज लड़के। मुझे आप यहाँ क्यों लेके आए थे? मैं जा रहा हूँ। छोड़ो, मेरी बात सुनो।
भाई अंदर छोड़ो मुझे अभी के लिए। आज के बाद तेरी दुनिया यही है। उस लड़की से तू मिल भी नहीं सकता। पापा इनको बोलो छोड़ने के लिए। चलो बोलो ना। सब लोग इकट्ठे आए हैं, क्या बात है? हम सभी लोगों का सिर्फ एक ही सपना है कि आने वाले इलेक्शन में हमारे रामू को कैसे भी टिकट दिलवाना है। ऐसे है क्या? वेरी गुड। मैंने तो तभी बोला था कलेक्टर मैडम हमारे लिए सपोर्ट करेंगी। इस पेपर में क्या लिखना ये तो हम नहीं जानते, आप ही तो हमको पूरा मदद करना है। जी हाँ, आप लोगों को जो भी चाहिए वो मैं कर लेती हूँ। मगर रामू आपके नाम वोटर लिस्ट में है क्या? नहीं मैडम। तो कैसे इलेक्शन में खड़े सकते हैं? वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, रेशन कार्ड भी नहीं है। लॉ कहते हैं कि ऐसे लोगों को देशवासी नहीं है। रेशन कार्ड लेने के लिए बहुत बार घूमा मैंने, घर चाहिए, घर का पता चाहिए, सब कुछ पूछ रहा हूँ। लोग वो सब नहीं है हमारा पास, मगर हम भी तो यही देश में तो पैदा हुआ ना, यही तो जी रहा हूँ। जो कुछ कह रहे हैं ठीक है, मगर यहाँ तो देशवासी ना होने के कारण इलेक्शन में नहीं कर सकते हैं। इतने लोग एक साथ बोल रहे हैं तब भी नहीं कर सकते क्या मैडम? लोग कहने से नहीं होगा, पहचान होनी चाहिए ना। पहचान पहचान, हम एक चाय पीते हैं या कोई भी सामान लेते हैं उसका टैक्स तो गवर्नमेंट को ही जाता है ना। उस समय गवर्नमेंट हमारी पहचान क्यों नहीं पूछता है? गवर्नमेंट को हमारा पैसा चाहिए पर हमें कोई पहचान नहीं दिलाएगा। क्या करें रामू, हमारा जुनून यही कहते हैं, यही तो रीति है। देखिए मैडम, हमें ये नीति के बारे में कुछ नहीं पता। आप जो ये चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, हम जैसे गरीबों के लिए नहीं होता मैडम। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया है मुझे माफ कर दीजिए। आइए बाबूजी। मैं मंत्री का बेटा हूँ लेकिन मुझे राजनीति की समझ नहीं। हमारे देश को बचाने के लिए राजनीति की समझ होना जरूरी नहीं है, ऐसे मेरे पिताजी कहते रहते हैं। लेकिन नेतागिरी कैसे करनी है वो सिखाया है। मैं अमेरिका, जापान, लंदन, वेस्ट जर्मनी, इटली ऐसे देशों में घूम चुका हूँ। अगर मैं इस इलेक्शन में जीत गया, इस देश में गरीब लोग या झुग्गी झोपड़ी बिल्कुल नहीं रहेगा। यहाँ पर एक भी भिखारी या मजबूर आदमी नहीं दिखने वाला। यहाँ की झुकी झोपड़ियाँ सारी बुलडोजर चला के गिरा के उसके बदले बड़े बड़े अपार्टमेंट बनवा कर मैं बिकवा दूंगा। तो वहाँ के गरीब लोग क्या करेंगे? उन सबको कचरे के ट्रक में भरकर शहर के बाहर बिकवा दूंगा। अपने घर की तिजोरी भरने के लिए हम जैसे लोगों के पॉकेट से पैसे चुराने वाले इन मंत्रियों को यहाँ से भगाने के लिए सिर्फ हम ही काम कर सकते हैं। रामू के लिए। उसके लिए इलेक्शन में आप सबको मुझे जितवाना चाहिए, पर इस जगह पे उन दो मंत्रियों के खिलाफ लड़ने वाले इस नेल्लिकुप्पम रामू का नाम नहीं है। उसका कारण है मेरे पास रेशन कार्ड नहीं है या किसी भी किस्म का पहचान। मैं अनाथ हूँ, भारत में पैदा हुआ मैं एक अनाथ हूँ, इसलिए मैं सड़क पे जी रहा हूँ। इसलिए मैं इस गवर्नमेंट के कोई भी पहचान का हकदार नहीं हूँ। मेरे जैसे बिना एड्रेस वाले और प्लेटफॉर्म में जीने वाले सैकड़ों लोग हमारे इस भारत देश में 10 करोड़ से ज्यादा है, तो वो आप विश्वास करोगे? पर वो है आज का सच, बड़ा सच। पैदा करने के बाद हमें सड़क पे फेंक दिया था अपने माँ बाप ने, हमें इस दुनिया में जन्म नहीं लेना था। मैं अनाथ हूँ, क्या वो मेरा गलती है? मेरे माँ बाप नहीं है, क्या वो मेरा गलती है? मुझे अपने जात और धर्म का पता नहीं है, मेरे पहचान ना होने के वजह से इस इलेक्शन में खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, क्या वो भी मेरा गलती है? बताइए वो किसका गलती है, बोलिए, आप ही बोलिए। इस दुनिया में जन्म लेने वाला हर बच्चा भगवान का बच्चा होता है। इस दुनिया में जीने का हक हर बंदे को होता है, वो बड़ों ने बोला है। अगर वो सच है तो इस दुनिया में प्राप्त हो रहे हर धन और सुख इस दुनिया में जन्म वाले हर बच्चे के नाम पे लिख देना चाहिए। क्या यहाँ उसका कोई कानून है? नहीं है, क्योंकि हमारे देश का कानून पैसे वालों के लिए पैसे वाला द्वारा बनाया गया है। इसी के कारण मेरे जैसे सैकड़ों रामू इस दुनिया में सड़ रहे हैं, पर ये रामू ऐसे सड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस इलेक्शन में मैं सरकार को एक चुनौती देता हूँ,
यहाँ के सभी लोग मतदान करने के लिए जाना चाहिए और मुझे वोट दो। ओ, कैसे है बेटा? मेरा नाम जब लिस्ट में नहीं है मुझे कैसे वोट दे, वही है ना सवाल। उसका भी उपाय है, अगर आप सब मुझे दिल से प्यार करते हो तो मतदान सेंटर पे जाने के बाद वोट लिस्ट लेके उंगली में स्याही रखने के बाद किसी को अपना मतदान मत देना और वोट बॉक्स में डालना। जब रिजल्ट आता है किसी ने अगर मतदान नहीं दिया है वो बेकार वोट नहीं है, वो मेरा वोट है, उसका मतलब मैं जीत गया। अगर ऐसा हुआ तो मुझे यहाँ का MLA बनाने के लिए क्या ये सरकार तैयार है? ये दोनों पागल है। मुझे नहीं पता कि वो पागल है, पर वो भीड़ देखा ना आपने, वहाँ की आवाज यहाँ मेरे कान फाड़ रही है। नेता सही बोल रहे हैं, अभी उसको मेंटल हॉस्पिटल में डाल देना चाहिए। वो बोला जैसा सब लोग वोट नहीं डाला तो मेरा बेटा जीत जाएगा, हमारा पार्टी वोट तो हमको ही ना मिलेगा, आराम से जीतेंगे। सर आपके बेटे सुंदर राजन के खिलाफ रामू रुके हैं, इसके आपके विचार क्या है सर? आप जो बोल रहे हो, रामू तो कैंडिडेट है क्या? वो तो एकदम पागल बन गया, उसको तो सीट नहीं मिला इसलिए तो वो कुछ ना कुछ बोल रहा है। कानून के मुताबिक ये जो वो कर रहा है वो गलती है, उसके बाद पे आ गया और मुझसे पूछ रहे हैं। और कुछ न्यूज नहीं मिला तुम लोगों को? सर इतना आसान बात तो नहीं है, यही रामू है अभी टॉक ऑफ द टाउन, लोग कहते हैं उनको ही मेजोरिटी वोट डालेंगे, तो आपका बेटे को क्या होगा? देखिए वो जो पागल रामू बोल रहा है ना, बिना चापा से वोट बॉक्स में डाला तो भी मेरा बेटा को हरा नहीं सकता। वही अगर ज्यादा वोट गिरे तो आप क्या करेंगे सर? अरे भगवान, अरे वो जो बोला हो तो हुआ, तो वो मेरा कैबिनेट में होम मिनिस्टर बन जाएगा, ठीक है? ये ठीक है ना? नमस्कार भाई, इलेक्शन का न्यूज। असेंबली के चुनाव के नतीजे के अनुसार रूलिंग पार्टी ने अधिकतर जगहों में अपने वोट कायम रखे हैं, इसके कारण ये लोग वापस से सत्ता में आएंगे ऐसा माना जा रहा है। एक्स मिनिस्टर महागणपति का मृत्यु के कारण जो वोट मिले हैं वही जीत का कारण बना है, यही ऑपोजिशन पार्टी का मानना है। अभी तक पिछले चुनाव में जो चीज नहीं हुआ है ऐसी संभावना इस चुनाव में देखा जा सकता है। रूलिंग पार्टी के नेता महागणपति के बेटे सुंदर राजन और अपोजिशन पार्टी में अयप्पन ने चुनाव लड़ा है, इसमें सुंदर राजन को 8,000 वोट, अयप्पन को 6,000 वोट मिले हैं। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पोलिंग वोट पूरे 270,000 माना जा रहा है, इसमें 150,000 वोट को ऐसे ही डाल दिया गया है। ऐसा देखा जाए तो जो वोट उन्होंने डाले हैं उसका कोई मान्य नहीं है, मगर चुनाव के प्रचार के समय एक अद्भुत सी बात इस कॉन्स्टिट्यूंसी में सामने आई है। चुनाव के प्रचार के अनुसार अनाथ लड़का नेलिकुप्पम रामू, थप्पा ना लगाने वाले वोट अधिकतर गिरने से मेरी जीत स्वीकार कर सकती है क्या सरकार, ऐसा प्रश्न उठाया था। मैंने उसी दिन कहा था ना, उस लौंडे को उठा लो। छोड़ दो, ये सब आहिस्ता करने का, उसको तो है देख। सुल्तान का सुरंग तिरछी में है सर, आ जा रहे हैं पूछ रहा हूँ, मस्ती मार रहे हो।
उड़े अपन को मार के कहाँ छुपा के रखा बताओ? नेवा को मैंने नहीं मारा है। कुछ लोग हमारा ज्योति को उठा कर जा रहा है गाड़ी से। कितने बार बोला मैंने? बोल बोल बे, कितने बार पूछो? बोल बोल सर, उसे मत मारिए। क्यों बे? मैं आपको बताता हूँ उदयवा कहाँ है। कहाँ है? आइए। रोनाल्डो पकड़ो। हाँ 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 हाँ, तू भी एक आध डाल। अरे वो भाग रहा है, जाके पकड़ो से। अरे नहीं सर, मैं कैसे जाऊँ सर, डर लग रहा है। तुम पुलिस में कैसे भर्ती हो गए, यूजलेस फेलो। चलो मेरे साथ। शादी करने के लिए मेरा बेटा ही चाहिए क्या? सर हम सड़क के लोग हैं सर, और कोई रास्ता नहीं है सर, हमें छोड़ दीजिए प्लीज। से सड़कों पर पड़ी रहने वाली भिखारिन साली, तू मेरी बहू बनना चाहती है क्या? जब तक मैं जिंदा हूँ ये सब मुमकिन भी नहीं है, मैं होने नहीं दूंगा। तुम लोग तो चाहते ही हो कि मैं अच्छा बन के नहीं रहूं। अब जो तेरे साथ होने वाला है खुद ही देख ले। सर छोड़ दीजिए सर।
तुझे तो तभी मार देना चाहिए था मुझे। ये मेरी गलती है कि तुझे पहले नहीं ठोका। आज मैं तेरा हिसाब। ये तुमने क्या कर दिया शांति? इसको मैं मार देता ना।
जा का नहीं, जा निकल 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 जा यहाँ से। हाँ वो क्लियर करो, जा जा जा। Mm-hmm.